हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर, बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी 42 साइज के लिए 4 डॉट का ब्लाउज कैसे बनाएं, एकदम से परफेक्ट तरीका, पूरे फुल मेजरमेंट के साथ कटिंग बताऊंगी। वीडियो को अच्छे से देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। साइज है 42। बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कटिंग करनी चाहिए और कैसे इसकी परफेक्ट सिलाई हो ताकि इसकी जो है मार्जिन की सिलाई बिल्कुल सही आए। देख सकते हैं ये हमारे ब्लाउज का बेक भाग है और अब मैं आपको इस बेक भाग से आगे की 4 डॉट का ब्लाउज बता रही हूँ और इस ब्लाउज का साइज है फोटो। इस पार्ट्स को हमें ऐसे रखना है, नीचे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ तक और इस तरफ हम 1/2 इंच या 1/4 इंच के लगभग एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये मैंने 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखा है और 1/4 इंच हम इस तरफ बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से हम इसको पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम इसको पॉइंट लगाते हैं और ये वाली जो लाइन है ना वो सीधी खींच लेते हैं। सीधी लाइन खींच ली है, यहां से मैं आर्म होल की ड्रॉ कर लेती हूँ। 1/4 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा लेना है, 1/4 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा रखना है हुक और आई की पट्टी के लिए। अब इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम इसकी शोल्डर देख लेते हैं। शोल्डर मैंने लिया यहाँ पे 5.5 इंच के। अब पहले आगे की आर्म होल की हम गोलाई लगा देंगे। ये हो गए हमारे आगे के आर्म होल, ठीक है। आगे का जो नेक है वो हम रखेंगे 6 इंच का। ये हो गया 6 इंच का हम नेक रख लेंगे। अब यहां से टक पॉइंट निकालेंगे, इस तरफ से हम लेंगे 4.25 इंच पे पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से लेंगे 10 इंच पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहां पे। ये है हमारा मेन पॉइंट, टक्स पॉइंट। टोटल हम इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच, यानी जो चेस्ट होता है ना 42 उसका थर्ड भाग 14 इंच। यहां पे हम इसकी एक लाइन खींच लेते हैं और 1/2 इंच ऊपर एक लाइन और खींचेंगे। सिम के लिए हम यहां पे इस तरह से छोड़ देते हैं। अब यहां से इस पॉइंट से हम जांचेंगे इसको, पांच इंच पे 1/4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना वो ले लिया और इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे इस तरफ। हम बढ़ाएंगे 1/4 इंच या फिर आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हो और इस तरफ भी 1 इंच तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इस तरफ हम लेंगे 2 इंच ऊपर, इस तरफ में भी हम लेंगे 2.5 इंच ऊपर और यहां पे हम सेंटर पे लगा देंगे और इस तरह से हम अपनी सारी डार्ट्स को मिला देंगे। सेंटर के अंदर आपको ऐसे मिलाना है। अब इसको आपको इतना रखना है, इसको आपको यहां पे कट कर देना है, इसको आपको यहां कट कर देना है। अब ये जो लाइन है इस तरफ, यहां पे आपको 1/2 इंच ऊपर एक पॉइंट और लगाना है और इस पॉइंट को आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है ना यहाँ पे मिलाते हुए और इसको आपको यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से 1/2 इंच ऊपर गोलाई लगा देंगे।
ये आपके इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऊपर का पार्ट्स। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इस नेक लाइन में मिलाना है। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं अपनी चेस्ट का, 10.5 है, ये ले लेते हैं 1/2 इंच, 11.5 इंच, और ये हो गया अपना मार्जिन। यहां से कुछ ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो टक्स लगे हैं 2 इंच के, तो यहाँ पे हम 2 इंच ज्यादा लेंगे। तो ये पेपर थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पेपर अटैच कर लिया है, ताकि हमारा मेजरमेंट बिल्कुल भी खराब नहीं हो। तो यहाँ से हमारा जो मेजरमेंट था, यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, वो अलग बात है, 11 इंच लिया है। यहाँ पे हम लेंगे 10.5 प्लस 2, यानी 12.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 12.5 इंच यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसके पॉइंट लगा देंगे, ये वाली हमारी लाइन है ना, ये वाले, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, और जो मार्जिन है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हो गया हमारी 2 इंच का मार्जिन। इसको भी हम इस तरह से लंबा करेंगे, क्योंकि ये डॉट हमारी यहाँ से लगेंगी। अब आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिलाना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट में ऐसे मिलाना है। ये देखिए, तो ये होगा हमारा ऊपर का टॉप पार्ट। अब नीचे की क्रॉस पट्टी भी मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉस पट्टी के लिए हम टोटल लेंथ लेंगे, ये देखिए, ये है 4.25 इंच की। यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच, इस तरफ से हम लेंगे 4.5 इंच, और इस तरफ कितना लेना है, देखिए इस तरफ में आपको ऐसे देखना होगा पहले। तो ये है आपका 6.25 इंच, इसमें से आपका 1/2 इंच चला जाएगा, ये रहेगा 6.25 इंच। तो ये पार्ट हो गया 6.25 का। नीचे का पार्ट हमें कितना चाहिए, तो इसके लिए हम देखेंगे ये वेक वाला पार्ट, इसके अंदर 6.25 इंच पहले निकाल देते हैं, ये वाला। अब नीचे कितना रहता है, तो नीचे रहता है 4 इंच, तो हम ले लेते हैं चलो इसमें 1/2 इंच सिलाई का 4.5 इंच। तो यहां से हम लेंगे इसमें 4.5 इंच, ये पॉइंट हो गया। तो अब आपको इसको इस तरह से मिलाना है ये। अब कमर का नाप लेंगे हम यहाँ पे, कमर है जैसे 34 या फिर 36, तो हुक और आई की लाइन को छोड़ दीजिए आप, ये हमारी हुक और आई की लाइन है। यहां से हम लेंगे 36 है तो 9 इंच, 34 है तो 8.5 इंच पॉइंट लगाएंगे, और उतना ही मार्जिन ले लेंगे जितना हमने ब्लाउज में लिया था। और इस तरह से हम इसको ऊपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी। सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी को निकालेंगे, ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी। अब हम इस पार्ट्स को निकालेंगे, हो गया हमारा ऊपर का पार्ट, ये हो गया नीचे का पार्ट। जैसे ही हम ये वाले टक्स लगाएंगे, ये टक्स लगेगी, तो ये पार्ट्स आपका बिल्कुल इस तरह से बराबर आएगा। और ये सिम का इसमें एक्स्ट्रा है, बेक साइड का पार्ट्स आप यहाँ पे रखिए, ये देखिए,
ये इतना एक्स्ट्रा है ना ये वाला, तो ये यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट करेंगे और ये वाले डार्ट लगाएंगे तो चला जाएगा। तो इस तरह से हम अपना जो है वो ऊपर का पार्ट कटिंग करते हैं 42 साइज के लिए, 4 डार्ट के लिए। तो मैं इसको कपड़े पे कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको सिलाई बताऊंगी कि आगे के पार्ट्स को कैसे सिलना है। तो भी आप देख सकते हो मैंने कपड़े पे इसको जचा लिया है, ये फोल्डेड साइड है, यहाँ पे बिग पार्ट्स को जचे। आप देखें इस तरफ में ये बिग पार्ट्स है, ये हमारी क्रॉस पट्टी है और ये हमारा आगे का पार्ट्स है। जो बचा हुआ फेब्रिक है यहाँ पे हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये डार्ट लगाना बताऊंगी। मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, अब मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। बाजू के अंदर यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे और फिर बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग के लिए आपको क्या है, नॉर्मली भी उतने आपको यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे मैं बैक साइड का पार्ट लूंगी और बैक पार्ट्स को जो मैंने कटिंग किया है उसको और यहाँ से इस तरह से सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से हम इसको पॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हम जॉइंट लगाएंगे बाजू के अंदर। इसका सेंटर हो गया है, यहाँ पे इसकी आगे की हम कटिंग कर लेंगे और ये जो पट्टियां है ना इसको यहां रख करके हम जॉइंट के लिए हम इस तरह से फैब्रिक निकाल लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट करके यहाँ पे इसके बराबर कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है बिल्कुल से बढ़िया। और अब हम अपने आगे के पार्ट्स की सिलाई करते हैं। पेपर कटिंग से आगे के पार्ट्स की जो डार्ट की सिलाई वो कैसे करें, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, यहाँ से आपको इसको इतना कट करना है, इतना कट करना है, इसको हटा देते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक इतना कट करना है। ये कट हमने लगा दिए हैं, इसको फिर से रखेंगे इसके ऊपर बराबर के अंदर और फिर चौंक लेंगे इस तरह से, मार्क करेंगे और ये जो अपना मार्क है यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देंगे। ये जो अपना मार्क है यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देंगे, ये जो अपना मार्क है यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देंगे कुछ इस तरह। बीच का रह गया है, बीच का सेंटर भी हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं।
ये हमारा सेंटर है। अब हम स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे मार्क करेंगे एकदम बराबर में, सीध में, बहुत ही बढ़िया से। ये मार्क हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एक इंच इस तरफ और एक इंच इस तरफ। ये हम इस तरह से इसकी पहली डार्ट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, बिल्कुल बराबर करेंगे, फिर इस तरह से इसकी हम ये वाली डार्ट लगा देंगे, ये वाली। तब चारों डार्ट लगा देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि डार्ट लगने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो कैसे दिखता है। तो ये चारों डार्ट हम लगा देते हैं, एक दो तीन और चार। उसके बाद में हम क्रॉस पट्टी को, ये वाली जो क्रॉस पट्टी है इसको हम ज्वाइंट करेंगे इसके साथ में।